आज हम एक सॉफ्टवेयर का रिव्यू करने वाले हैं जो खास करके वेबसाइट डेवलपमेंट में काम आता है। और चलिए देखते हैं और रिव्यू करते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है वेब बिल्डर करके नाम है, वेब ब्लॉगर। उसका नाम थोड़ा अजब जैसा, अजीब जैसा है। नाम है WYSIWYG, वेब बिल्डर 15 लेटेस्ट वर्सन है। ठीक, ये वाला उसका सॉफ्टवेयर नाम है। तो वही तो इंस्टॉल किया हुआ है, तो कैंसिल कर देते हैं। तो देखते हैं ये सॉफ्टवेयर कैसा काम करता है, आप इंस्टॉल कर देना ठीक से। तो ये बिल्डर खास कर बहुत काम में आता है, ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट में काम आता है। तो ये आ जाता है आपका, जो जैसे लेआउट लेआउट एक बनाएंगे, उसका ये कोड दिखा देगा, ठीक है, उसका HTML कोड दिखा देगा कि कैसा है। जैसे मैं यहाँ पर एक टेबल टेबल बनाता हूँ, टेबल, हाँ टेबल बन गया। तो अब देखेंगे उसका HTML पेज, ठीक है, अब इसका HTML पेज देखेंगे। यहाँ पर आया होगा टेबल, टेबल स्टाइल पोजिशन 77 से 124 जैसा ही दिखा रहा है। तो इसको डिलीट कर देने से पूरा डिलीट हो जाए, ठीक है। प्रॉपर्टीज, स्टाइल, आइकॉन्स, मेटा टेक्स, SEO, सब कुछ, मतलब डिजाइन करेंगे, कोडिंग ये दिखा देगा। तो पहले वेबसाइट में क्या करना पड़ता है, कोडिंग देना पड़ता है, उसके बाद ये डिजाइन करेगा। नहीं, ये उल्टा है, ये जिसको कोडिंग नहीं आता उसके लिए खास कर बनाया गया है, हम जैसे लोग के लिए। तो हम तो इतना कोडिंग नहीं आता, छोटा मोटा कोडिंग आता है, तो छोटा मोटा चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पूरा सेटिंग फिटिंग है, जैसे वार्ड एक्सेल पार्टमेंट में होता है, पूरा एक वार्ड में होता है, पार्टमेंट में होता है, पूरा हेडर मिडिल बॉटम बहुत सेटिंग है, पूरा गूगल फॉन्ट सर्च इंडेक्स थीम मैनेजर। इसके लिए इंटरनेट चाहिए, थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन, इंटरकनेक्ट वेरीफाई, फोटो में लिंक दे सकते हैं, पूरा रेडी कर देंगे और इसका कोड जाकर पेस्ट कर देंगे यहाँ पर आपका जो वेबसाइट पे, ठीक है। तो ये वेब डेवलपर जो मानना चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग कोडिंग नहीं आता, कि थीम नहीं खरीद सकते, कि ये खुद के हिसाब से बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ठीक है बिल्कुल। मुझे तो वेब बिल्डिंग के लिए अभी थोड़ा थोड़ा मैं चाहता हूँ कि मेरा एक वेबसाइट खोलो। तो मैं चाहता हूँ कि इसका तो फ्री वर्सन में तो सब कुछ चल रहा है, पेड करने की ज़रूरत ही नहीं। हाँ, ये सब तो बाद में खुल जाएगा, ठीक है। जो वेब लेआउट, फुल स्क्रीन मोड, सब कुछ है, रूलर, जूम इन जूम आउट, जो कुछ कर सकते हैं, स्लाइड शो, इमेज, पिक्चर, ऑल ओवर, जो चाहिए वही कर सकते हैं। यूट्यूब, यूट्यूब यूट्यूब का शायद लोगो रहेगा, हाँ यूट्यूब, अदर मीडिया, जाफा, रियलमी, HTML ऑडियो, HTML वीडियो, वीडियो दे सकते हैं डायरेक्ट, सही। तो सब कुछ है, और चाहे तो यहाँ से ही पब्लिश कर सकते हैं। आपको यहाँ कोडिंग कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करना नहीं है, तो बार बार चेंज करेंगे वहाँ पर कैसे पेस्ट होगा। तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन है, एक है कहाँ पर, यहाँ पर होगा, इसमें होगा शायद साइट में, या कुछ ऐसा कुछ लिखा होगा, लोकल होस्ट ऐसा कुछ कहाँ पर लिखा होगा, पब्लिश, ये पब्लिश में शायद FTP, ये PG कंप्रेशन, ये यूजर इंटरफेस ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो उसमें आपका वेबसाइट का वेबसाइट देना है, उसका IP एड्रेस देना है, तो ये खुद ही पब्लिश कर देगा, ठीक है, ये खुद ही पब्लिश कर देगा पूरा परफेक्ट। ये थीम कुछ दिया हुआ है, ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, बहुत कुछ। तो थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन धीरे धीरे एक एक छोटा मोटा करते करते पूरा सीख जाएंगे। पता चला कहाँ पर मैंने ढूंढा था वही सेटिंग था, ये तो ब्राउजर में दिखाते हैं सब कुछ, रन करना ब्राउजर में प्रीव्यू करके दिखा देगा, या फिर जो डायरेक्ट भी दिखा देगा जैसा आपकी मर्जी। तो कहीं तो यही सर पब्लिश क्या कुछ, हाँ यहाँ पर पब्लिश माय कंप्यूटर, ठीक है, माय कंप्यूटर, HTTP एडिट, एडिट करेंगे URL, लॉक पब्लिश स्लैश करके क्या क्या पब्लिक HTML ऐसा कुछ लिखना पड़ता है, इंटायर वेबसाइट है, सिर्फ एक पेज भी हो सकता है, बैकअप फाइल भी रख सकता है, पूरा मैंने पूरा वेबसाइट का पूरा बहुत पूरा कुछ करने की थीम डिजाइन कुछ करने की सब भी यहाँ पर आपके हिसाब से होगा। चाहे तो कोडिंग भी चेंज करके कुछ कर सकते हैं, या फिर
ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे कर सकते हैं, एलिमेंटर के जैसा कुछ भी। तो वर्डप्रेस मैं भी सोच रहा हूँ कि ऐसे वेबसाइट बनाऊँ खुद के डिजाइन से, सिंपल से। तो यहाँ से करेंगे सस्ता और कर देंगे एक बनाना। तो एक मतो डेरा तो बोलिए आपको कैसा लगा ये, फिर ये वेब यह तो बहुत अच्छा लगा, तो आप भी ट्राई करके जरूर देखना। तो बोलिए कमेंट, तो कैसे लगा ये वीडियो, तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। और के सॉफ्टवेयर के बारे में और कुछ ज़्यादा जानते हैं तो कमेंट में लिख देना। और उन्होंने सॉफ्टवेयर का रिव्यू पूछने जाते हैं, और आपका मन में कोई सॉफ्टवेयर रिव्यू चाहते हैं उनमें है तो कमेंट कर जरूर, हम उसका रिव्यू जरूर करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।